अरे वो हमने खेसारी का साड़ी वाला इंटरव्यू कैसा जी। अगर बात करें आज स्पेशल गणपति का मौका है और आपने मीडिया को बुलाया है, बताना चाहेंगे ऐसा क्या है? आंखों में आंसू हैं काफी। सबसे पहले मैं अपने पब्लिक से और अपने घर जीवन स्वरूपी जो लोग हैं मेरे बिहार ओपी के भोजपुरी बोलने वाले करोड़ों अरबों लोग जो हैं, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूं कि मेरी जो फिल्में 9 सितंबर को आ रही थी मैंने उसका डेट आगे करवा दिया। इसलिए कारण सिर्फ एक ही है कि मैं आपके दुख के साथ हूं और आज करोड़ों लोग बाढ़ से डूबे हुए हैं और उन दुख में मैं अपने घर का दिया नहीं जला सकता, उसमें मैं अपनी खुशियों को जाहिर नहीं कर सकता और मैं नहीं चाहता कि कोई पानी में तैर के मेरी फिल्मों को देखे और उस तकलीफ़ में मेरी फिल्मों को देखे। मैं चाहता हूं कि आप खुशी में मेरी फिल्मों को देखेंगे तो शायद वो पैसा जब खेसारी को चंदा के रूप में आएगा तो शायद वो मुझे खुशी होगी और उस पैसे से जब मेरे घर का चूल्हा जलेगा तो मेरे बच्चे भी खुश रहेंगे और मेरी पूरी जीवन खुश रहेगी। और जिस हिसाब से आज मैंने देख के आया, मैं जब गया था अभी यूपी बिहार में, तो जो तकलीफ़ों से जिनके घर पे जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके घर डूबे हुए हैं, वो किस तकलीफ़ में आज जूझ रहे हैं, शायद उस गरीबी से मैं भी आया हूँ और ये मेरे साथ हादसा हुआ है। बाकी किसी के साथ हुआ कि नहीं, लेकिन ये मेरे साथ हादसा हुआ है। और हादसा ये है कि वो करोड़ों लोग खेसारी को प्यार करते हैं यार, और उसी मिट्टी से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो करोड़ों घर जो डूबा है वो सिर्फ उनका घर नहीं, कहीं ना कहीं खेसारी का भी घर है। और मुझे बहुत बुरा लगा, शायद मैं देखने नहीं गया होता तो ये मुझे महसूस नहीं होता और मेरी फिल्म 9 सितंबर को ही रिलीज होती, लेकिन मैं जब देख के आया तो देखने के बाद मेरा शरीर कांप उठा और मैं अपने वाइफ से शेयर किया तो मेरी वाइफ ने यही बोला कि आप क्या कर रहे हैं, इतने लोग तकलीफ़ में हैं। और मुझे भी आभास हुआ कि नहीं यार, मैं उस तकलीफ़ में लोगों के साथ अपने खुशियों को नहीं बांट सकता और उनके घर में आज दिया बुझा हुआ है, बाढ़ के पानी ने बुझा दिया है और उस समय मैं अपने घर का दिया नहीं जला सकता उनके पैसे से। इसलिए मैं ये डिसीजन लिया और मेरा साथ राहुल कपूर जी ने, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने साथ दिया, बंटी जी ने, हमारी पूरी टीम ने हमारा साथ दिया, बोला कि कोई नहीं। बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे एडवर्टाइज हो चुके थे इस फिल्म के कि 9 सितंबर को आ रही है, लेकिन मेरी प्यार की जीत तभी हो सकती है जब आपके घर में दिया जल जाएगा और उसी के साथ जब माँ आपके घर में आएगी, उसी माँ के साथ आपका भाई होगी प्यार की जीत लेकर आएगा। और मुझे विश्वास है, आशा है कि आप सबका प्यार दशहरा में मेरे फिल्म होगी प्यार की जीत को मिलेगा। और मैं फख्र से कहता हूँ कि मेरे भाई आपको कोई तकलीफ़ नहीं है और आपके तकलीफ के साथ मैं भी हूँ। मैं 9 सितंबर को नहीं आ रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ आपको तकलीफ़ के देख के। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं आपके तकलीफ़ में अपनी खुशियों का दिया नहीं जला सकता, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। इसके लिए सो सॉरी, अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सर, बिजनेस अलग है, इमोशनल अलग है, लेकिन आपने बिल्कुल पब्लिक के साथ इतना बड़ा एक फैसला किया है, ये कैसे ध्यान में? देखिए, बात करें आप कुछ और भी, हमारी कुछ आपने दान भी किया है अभी, कुछ क्या है वो दान? गरीबी के आगे बिजनेस कुछ नहीं होता है, इमोशन के आगे बिजनेस कुछ नहीं होता है, तकलीफ के आगे बिजनेस कुछ नहीं होता है। अरबों रुपया नुकसान हो जाते हैं, लेकिन अरबों दिल पे जब चोट लगती है ना तो शायद वो अरबों रुपया से बहुत ऊपर होता है। और किसी की तकलीफ अरबों रुपया नहीं दे सकता है आपके खुशी, तो इसलिए पैसा किसी के इमोशन से बढ़कर नहीं है। और मेरा इमोशन मेरे पब्लिक के साथ है जिन्होंने खेसारी को इतनी बड़ी मुकाम तक पहुंचा दिया और मैं उन तकलीफ में मैं अपने घर का दिया नहीं जला सकता, इसलिए पैसा कोई काउंट नहीं करता। इनके लिए पूरी जीवन कुर्बान कर दूंगा मैं। मेरा बिजनेस अगर मेरी बाढ़ में डूबे रहे तो शायद मैं इस साल कोई फिल्म रिलीज ना करूँ, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरा बिजनेस ठीक है, मैं प्रोड्यूसर का पैसा लौटा सकता हूँ इनके लिए, लेकिन मैं इनके तकलीफ में कभी अपने घर का दिया नहीं जला सकता, इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। कैसे राज भी एक सुपरस्टार नौकरी काम आदमी की जिंदगी व्यतीत करते हैं, आंखों में आंसू हैं, कोई कैमरा एक्शन नहीं है यहाँ पर, आंखों में आंसू हैं, इमोशनल हो गए हैं। हम आम रहेंगे तब तक ही हमारी पब्लिक हमारी है, नहीं तो स्टारडम किसको नहीं नसीब हुआ है, हर आदमी स्टार है आज के डेट में, कोई किसी को खाने को नहीं देता है, लेकिन ये पब्लिक प्यार करती है और बिना दबाव में खेसारी को चाहती है, इससे बड़ा मुकाम मेरे लिए क्या हो सकता है। और मैं एक आम आदमी की तरह इसीलिए रहना चाहता हूँ कि मैं इतने गरीब परिवार से आया हूँ और आज भी गरीब हूँ, और जब इनका प्यार मिलता है तो खेसारी से बड़ा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मैं अमीर हूँ इनके वजह से, आज इनके चंदा के पैसा से खेसारी का घर चलता है।
तो मैं अपने पब्लिक के दुख में आप अपने फिल्म को रिलीज़ कैसे कर सकता हूँ? और मैं नहीं चाहता कि कोई तकलीफ में आकर खेसारी के फिल्म को टिकट कटाकर फिल्म देखे और इन्जॉय करे, बिल्कुल नहीं, मैं कभी नहीं चाहूँगा ऐसा। आप अपने घर को देखिए, आप उस व्यवस्था को देखिए जो आप जिस व्यवस्था से आज जूझ रहे हैं, पहले उस व्यवस्था को देखिए। जिस दिन हमारी माँ सबके घर में एक ज्वाला बन के आएगी, उसी दिन खेसारी लाल यादव आपके घर में, आपके शहर में, आपके सिनेमा घर में आएगा अपने होगी प्यार की जीत को लेके। इसलिए मैं नौ को नहीं आ रहा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोग मुझे माफ़ कर देना। सर आखिरी सवाल, आपने कुछ ट्रक भर के दान किया है, अभी खाने पीने की चीज़ें भेजी जी है, मैंने 40 क्विंटल चिवरा, कुछ कपड़े, मीठा, बिस्किट्स मैंने बांटा है अपने भाई भैया द्वारा, बुलबुल मिश्रा द्वारा, छपरा में बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, पूरी 10 से 15 गांव डूब चुकी थी। तो मैंने भैया से बोला तो भैया बोले कि ओके भाई, और हर जगह जहाँ जहाँ नाव का व्यवस्था कर करके और हर घर में हर लोगों को पहुँचाया गया। तो मेरे से जितना हो सकेगा मैं अपने लोगों के लिए करूँगा, अपने उस पब्लिक के लिए करूँगा जो पब्लिक खेसारी को इतना प्यार करती है। चैरिटी के लिए कोई अगर शो करते हैं आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल मैं तैयार हूँ, अगर कोई शो कराकर उस पैसे से अगर उस बाढ़ पीड़ित लोगों को अगर कुछ हेल्प हो सकती है, कुछ मदद हो सकती है तो मैं तैयार हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ। आप लोग फ़ोन करिए, मेरे से बात करिए और जहाँ भी शो कराना है कराकर उस पैसे से उस जगह तक पहुँचा दीजिए जहाँ हमारे बाढ़ पीड़ित लोग परेशान हैं, और उस पैसे से अगर थोड़ी भी परेशानी उनकी कम हो जाती है तो मेरे से बड़ा खुश नसीब कोई नहीं हो सकता। थैंक यू सर, थैंक यू, एक विजुअल बैठो सर, एक मिनट बैठ जाओ, माइक हटाओ बेटा, माइक हटाओ, थैंक यू। मेरा नाम अविनाश झा घुंगरू। मुझे आज बात करें, फिल्म की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, ऐसा क्या इशू? ऐसा कोई भी इशू नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है जो आज हमारे भोजपुरी फिल्म का जो मेन बाढ़ ग्रसित इलाका है बिहार, यूपी, झारखंड, वो एक बहुत बड़ा रीजन है इस फिल्म के डेट को आगे बढ़ाने का। फिल्म की जो हीरो है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया आपसे आने से पहले जी, तो कितनी खुशी इस बात को लेकर कि एक पब्लिक के साथ, एक दुख दर्द के साथ अपनी फिल्म को लेकर रिलीज करेंगे? रियल हीरो वही है जो पब्लिक के दुख दर्द को अपने से जोड़ता है, और हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल जी, हमारी हम लोगों की एक फिल्म आ रही है होगी प्यार की जीत, शायद आप उसी फिल्म की बात कर रहे हैं कि 9 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन जिस जगह पे ये फिल्म जाने वाली थी, जहाँ से हमारी फिल्मों को प्यार मिलता है, दुआ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और आज अगर वो इलाका, वो क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है, जहाँ पे लोग अपने घरों के छत पे बैठ के खाना खा रहे हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पानी कम हो, हम लोग नीचे आएँ, तो आप उम्मीद कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो लोग छत से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, कहीं अगल बगल मार्केट में अपनी ख़रीदारी करने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो आखिर हमारी फिल्में लगेगी तो उनका प्यार हमको कैसे मिलेगा, वो फिल्में देखने कैसे आएंगे? इसलिए खेसारी लाल जी ने इतना बड़ा डिसीजन अगर लिया है उन बाढ़ पीड़ित लोगों के प्रति कि वो जब सुखी रहेंगे तो ही हमारी फिल्मों को प्यार और आशीर्वाद मिल पाएगा, तो इनको मैं सलाम करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ऐसी सोच हमारी सारी स्टारों को मिले। राहुल कपूर। राहुल जी, कपूर साहब, अगर बात करें, आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट है दुख दर्द के साथ में, क्या है आपके साथ सुपरस्टार खेसारी लाल जी बैठे, क्या? ये अनाउंसमेंट नहीं है, ये हमारी जो है दुख की बात है और दुख की घड़ी है। खेसारी जी ने जब मुझे कल फ़ोन किया, इस विषय में बताया कि मैं जाके आया हूँ भैया, ऐसी सी बात है, वहाँ बाढ़ से काफ़ी लोग प्रभावित हैं और बहुत तकलीफ हुई है, तो हमें एक सेकंड भी नहीं लगा इस बात को सोचने के लिए कि हमको इस फिल्म को आगे रिलीज़ करना चाहिए। मुझे इस बात पर गर्व है कि खेसारी जैसे लोग, ऐसे इंसान, एक्टर जो हैं,
वो लोगों के लिए सोचते हैं। अगर दूसरा होता तो मुझे नहीं लगता है कि वो ये सोचता कि क्या करना चाहिए, वो ये सोचता कि चलो मेरी फिल्म रिलीज़ हो गई, अगली फिल्म का हम देखेंगे। तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी इनकी कि इन्होंने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया और कहा कि भैया हम लोगों को इसको आगे करना चाहिए, और हमने इमीडिएट इसके लिए एग्री किया और इसलिए हमने इस फिल्म को आगे कर दिया। जब लोगों के घरों में खुशियाँ आएंगी, जब माता जी उनके घरों में आएगी, तब हमने अभी परिस्थिति को देखते हुए डिसाइड किया है तब हम ये फिल्म रिलीज करेंगे। सर, जो अनाउंसमेंट पहले प्रोड्यूसर को करनी चाहिए, पैसा प्रोड्यूसर का लगा है, कितने बड़े फख्र की बात है कि एक हीरो ने अनाउंसमेंट किया कि मैं पब्लिक के साथ हूँ। समस्या देखिए यहाँ है कि ये मेरे लिए प्रोड्यूसर नहीं है, इसलिए मैं हक से इनसे बोल सका, और मुझे पता था कि मैं अगर कोई बातें बोलूँगा तो ये ना नहीं कहेंगे, और मुझे विश्वास था, क्योंकि देखिए हमारी बिजनेस हमारे पब्लिक से बढ़ के नहीं है, और हमारे जो देवता रूपी श्रोता है, जो हमें प्यार करते हैं, जो राहुल कपूर जी को प्यार करते हैं, जो हमारे फिल्मों को देखते हैं, जो हमारे लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं, तो हमें इंसान होने का कोई हक नहीं है और ना ही हमें हीरो होने कहने का हक है। हीरो वही होता है जो पर्दे पे हर उस समस्याओं को हल करता है, लेकिन अगर मैं हीरो हूँ तो मेरा ये भी फर्ज बनता है कि रियल ज़िंदगी में भी हमें अपनी हीरोगिरी की सबूत देनी पड़ेगी। सिर्फ हम पर्दे के हीरो बन के रह जाएं, ये हमें गवारा नहीं है। और जब मेरे घर में तकलीफ़ है तो उस तकलीफ़ के साथ मैं उसी दूसरे घर में दिया कैसे जला सकता हूँ। इसलिए मैंने राहुल भैया से बस एक बात बोली कि भैया मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म दशहरा पे आए, जब हर घर में माँ का आगमन होगा, खुशियों की माहौल होगी, हर घर में दिया जलेगा, उसके साथ हम अपने प्यार को जीत के साथ बदलें तो हमारी होगी प्यार की जीत। तो राहुल भैया ने बोला कि इतना अच्छा डिसीजन तुमने लिया है बाबू। मैं बोला कि भैया मैं मानता हूँ कि आपने आज पब्लिक सिटी में 20 लाख से ज़्यादा खर्चा कर दिया, ये संभव नहीं है कि 4 दिन पहले फिल्म का रिलीजिंग आगे कर देना, क्योंकि हर जगह छप चुका है, हर जगह चला गया, हर जगह पोस्टर डिजाइन, आज कम से कम 20 लाख रुपये का लॉस होगा, लेकिन हमारे पब्लिक का दुख के साथ हमारा 20 लाख रुपया कोई मायने नहीं रखता। तू जो कहेगा डिसीजन मेरे, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, और तू कह रहा है हम दशहरे में ही आएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 20 लाख रुपया उनके इमोशन और उनके दर्द से ज़्यादा नहीं है राहुल कपूर के लिए, और मैं सलूट किया राहुल भैया को कि इन्होंने मेरे बातों को गहराई से नहीं, एक पल भर में ले लिया डिसीजन कि जाओ बेटा तुम जो कहोगे वही मैं मानूंगा। और हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रवीण जी से बात किया, उन्होंने बोला कि आप लोगों ने डिसीजन लिया है लॉस तो मुझे भी होगा, कि मैं भी उन पब्लिक के साथ हूँ और मैं फिल्म तभी रिलीज़ करूँगा जब उनके घर में खुशी आएगी। हमारे घर में दिया अब तभी जलेगा जब हमारे पब्लिक के घर में दिया जलेगा, और मुझे गर्व है अपने आप पे, और राहुल कपूर हमारे बड़े भाई जो प्रोड्यूसर नहीं है हमारे लिए, बड़े भाई की तरह है, और इनके डिसीजन और मेरे अपने डिसीजन पर मुझे अपने आप पर गर्व है। जे मैं अगर अपने पब्लिक के साथ नहीं हूँ तो मुझे हीरो रहने का कोई हक नहीं है, और बाकी लोग क्या सोचते ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने उस गरीब लोगों के लिए, उस गरीब खेसारी के लिए सोच रहा हूँ जो गरीबी से मुझे, यही पब्लिक आज उस गरीबी से मुझे यहाँ तक पहुँचाई है, तो मुझे अपने घर में खुशियों का माहौल करने का कोई हक नहीं है जब हमारे भाई लोग तकलीफ़ में है तो। और मैं कतई नहीं चाहूँगा कि ये लोग बाढ़ में डूब के और 50 रुपये खर्चा करके मेरी फिल्मों को देखें, मैं कभी नहीं चाहूँगा। मेरा बिजनेस चले या नहीं चले, मैं आजीवन फिल्म करूँ या ना करूँ, ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों का जो पहचान दिया हुआ है, एक खेसारी ऐसा पहचान इन लोगों ने दे दिया है, इनका प्यार मिल गया है कि शायद मैं इस प्यार और इस नाम को लेकर आजीवन कर्जदार हूँ इन सब का, जो आज मेरी करोड़ों पब्लिक जो बाढ़ में जहाँ के भी लोग हैं, जो भोजपुरी बोलने वाले हैं, जो नहीं बोलने वाले हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि अगर वो तकलीफ़ में है तो खेसारी की तरफ से अगर कुछ आपको लगे कि खेसारी मेरा हेल्प कर सकता है तो आप बोल सकते हैं। हमारी पूरी टीम होगी प्यार की जीत के, पूरी टीम आपके साथ है और आजीवन रहेगी, और हम जब भी फिल्म बनाएंगे आपके तकलीफ में कभी नहीं आ सकते, हम आपके खुशियों में आएंगे, अपनी खुशियों को हर उस चीज़ को लेकर। कपूर जी, अगर आपसे बात करें, कहीं ना कहीं बिजनेस लेवल पर अगर बात करते हैं, कहीं ना कहीं तो लॉस होगा जी, तकरीबन कितना फिल्म को अभी लॉस होगा इस बात को? नहीं, लॉस अभी इस वक्त हम ये नहीं सोचेंगे कि लॉस क्या होगा, क्योंकि इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और लॉस तो जीवन में हो ही सकता है, कभी भी आप बिजनेस करते हो तो लॉस और प्रॉफिट तो होता ही रहता है, हो सकता है यहाँ लॉस हो जाए तो आगे हम जाके इसको प्रॉफिट कर लें, लेकिन जो लोगों का प्यार मिलेगा वही हमारे लिए प्रॉफिट है, और वही उनका आशीर्वाद हमारे लिए प्रॉफिट है। क्या बात,
आपको इतना रियल हीरो मिला है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? असली हीरो वही होता है जो आजकल दिखाया। रियल हीरो जो है वो इसलिए है क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है, और जब मेरा भाई है मुझे पता है कि ये जो भी डिसीजन लेते हैं, मैं जब भी किसी के साथ या मैंने आज तक जो भी बिजनेस किया है, जहाँ भी मैं बिजनेस करता हूँ, पहले मैं आदमी को देखता हूँ वो कैसा है और उस हिसाब से हम काम करते हैं। एक फ़िल्म बनाने के लिए हम फिल्म नहीं बनाते हैं, आप पूरे यूनिट होती है, एक टीम होती है, कैसे लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे इस बात पे गर्व है कि खेसारी जी जो है ऐसा सोचते हैं और ऐसी बातें उनके जहन में आती है, लोगों के दुखों में वो दुखी होते हैं, तो ऐसी इंसानियत के लिए मैं उनको सलूट करता हूँ और ऐसे लोगों के साथ काम करने का बहुत मज़ा आएगा और डेफिनेटली हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। और ये मेरे लिए घर की बात है, मेरे छोटे भाई की तरह है, और तरह बोलना ठीक ना होगा, ये कहना कि ये मेरा छोटे भाई है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और इनके साथ हमको काम करके बहुत मज़ा आया है। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा लेंगे आपका।